नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, भर्तियों, ऑफलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की जानकारी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल दीपेश गौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो सके। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पंचायती राज विभाग सचिव भर्ती को लेकर, तो उसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अगर आप भी पंचायती राज विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम नोटिफिकेशन, आप अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए यहाँ पर आपको, या फिर आपको ये वेबसाइट दिख रही है यहाँ से आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। मध्य प्रदेश राजपत्र आधारण आशा असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित पत्र क्रमांक 259 भोपाल मंगलवार दिनांक 22 अगस्त को ये निकाला गया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 22 अगस्त 2023। सूचना मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तों नियम 2022 में संशोधन का उल्लेखन प्रारूप, जिसमें राज्य सरकार मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1943 की धारा 69 की उपधारा 1 के साथ गठित पठित धारा 95 की उपधारा 1 प्रदान करती है। तीसरा है, अपेक्षित किए गए उन समस्त व्यक्तियों की जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है। तो दोस्तों ठीक है, मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीख 30 दिवस तक अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप विचार किया जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति या सुझाव पर जो व्यक्ति उप प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति के ऊपर निविष्ट कालावधि के आवास होने के पूर्व मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। अब ये भर्ती निकलने वाली है, उसके उन्होंने कुछ नियम यहाँ पर दिए हैं। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, मतलब अब जो भर्ती निकलने वाली उसकी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन इसमें कोई काम नहीं होगा, जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। जब विभाग का, पंचायती राज विभाग का पोर्टल है पंचायत दर्पण, उससे आप ऑनलाइन जो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको दी जाएगी, ऑनलाइन संचालित की जाएगी। जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी सहित विहित प्रारूप में जिलेवार विज्ञापन पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे, मतलब आपके जिलेवार पीडीएफ आप वहां पर प्रोवाइड रहेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन विज्ञापन को डाउनलोड किया जाएगा, मुद्रित किया जाएगा और संबंधित जिले की जिला पंचायत जनपद पंचायत कार्यालयों सहित सहदर्ज स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। संबंधित जिला स्थानीय समाचार पत्रों में विहित प्रारूप में एक विज्ञापन के माध्यम से इस आशय की संक्षिप्त सूचना भी जारी करेंगे कि विस्तृत दिशा निर्देश विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंचायत सचिव भर्ती खंड में उपस्थित रहेगा। तो पंचायत दर्पण में कहाँ पर आपको मिलेगा, तो पंचायत सचिव भर्ती खंड में आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पर नियम चेंज हुआ है कि आवेदक केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते, मतलब आप किसी ऑनलाइन की दुकान पर जाओगे तो वहां पर वो नहीं कर सकता, वो केवल आप भी कर सकते हो। ऑनलाइन पंचायत दर्पण के पोर्टल पर जाना है, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करेगा, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश पृथक रूप से जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन के सिवा किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार, अगर आप किसी दूसरे माध्यम से आवेदन भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा हम देख लेते हैं कि आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी के लिए आवेदक का नाम भारत के निर्वाचन आयोग के संबंधित जिला की मतदान सूची में विज्ञप्ति बस की प्रथम जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब अगर आप उस जिले के निवासी हो और आपकी आपका निर्वाचन आयोग की जो मतदाता लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है तो आप इसमें अपात्र हो जाओगे। इसलिए अभी तक आपने नहीं बनवाया वोटर कार्ड तो बनवा लीजिए। ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग के आधार पर प्रवर्ग अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, मतलब इसका ऑनलाइन आवेदन तो होगा पर जो भर्ती है वो केवल अंकों के आधार पर होगी। जैसे कि रोजगार सहायक में जो प्रारूप दिया गया वो सेम रोजगार सहायक का जो प्रारूप है वो सेम सचिव का भी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर
अंतिम प्रवीण्य सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार सूची को जिला पंचायत के सूचना पोर्टल पर विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रकाशन की तारीख से 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेगी और 7 दिवस के अवधि के भीतर अंतिम चयन सूची को तैयार करेगी। वह जिला पंचायत के सूचना पटल के साथ साथ विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित हो जाएगी। समान अंक होने पर जिसकी उम्र अधिक हो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके 50-50 अंक हैं, तो दोनों में से जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मूल निवास के प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता सूची में नाम, मतलब आप किस मध्य प्रदेश के किसी जिले में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके गृह जिले में अप्लाई करना है, किसी भी जिले में अप्लाई कर सकते हो। बस गृह जिले में आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, मतलब गृह जिले में आप अप्लाई, मतलब गृह जो पंचायत है उसमें आप नहीं कर सकते, बाकी जिले आपका गृह जिला उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियम 5 और उपनियम 1 में खंड द्वय में उपस्थित स्थान पर निम्नलिखित है, कुल रिक्त पदों के 50% ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित हैं। मतलब जैसे 100 पोस्ट खाली हैं तो 50% जो है वो ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। नियम 5 में उपनियम 1 खंड में खंडित है। प्रावीण्य सूची के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के 25% की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रावीण्य सूची तथा प्रतीक्षा सूची जिला पंचायत के सूचना पोर्टल और विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से विज्ञापन के प्रकाशन के कैलेंडर वर्ष 2023 तक विधि मान्य रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ आपके जो नियम परिवर्तन हुए हैं वो है। देखिए जैसे कि आपको बता दूं कि पहले इसके ऑफलाइन आवेदन किया जाते थे, पर अब उन्होंने इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए हैं और जो प्रक्रिया है वो पुरानी सेम जो रोजगार सहायक की वही सेम सहायक सचिव की जो प्रक्रिया है वो सेम सचिव की रहेगी। पंचायत सचिव की प्रक्रिया वही रहेगी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो चाहिए, आपकी उम्र अधिक रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, तो आप भर्ती इसके जल्द ही निकलने वाली मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जहाँ पर पद खाली हैं। वैसे तो आपको चेक करते आता होगा कि किस जिले में कितने पद खाली है, किस पंचायत में पद खाली है नहीं। अगर वो चेक करते नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम एक वीडियो उस पर फुल डिटेल के साथ जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है और इस ऐसा लगता है कि रोजगार सहायक की वैकेंसी जल्द आने वाली है, क्योंकि सचिव की भर्ती जब कर रहे हैं तो रोजगार सहायक की भर्ती भी जल्दी आने वाली। तो आप तैयार रहिए, अपडेट आता रहेगा तो आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करो। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपका साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।